हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम खजियार में हैं और हमने बहुत मस्ती करी। तो आज भी हम खजियार में रुकने वाले हैं और आज हम यहाँ डलहौजी जाएंगे। तो अभी तो सारे लोग अंदर सो रहे हैं, बस मैं और फूफा जी जगे हैं, बुआ और बस सारे लोग सो रहे हैं। और यहाँ पे इतना मस्त व्यू दिख रहा है भाई, यहाँ पे तो सन तो दिख ही नहीं रहा कहाँ है, लेकिन बहुत मस्त व्यू दिख रहा है पेड़ों का। और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, लेकिन काफ़ी ठंडी चल रही हैं। और कल रात को हम छत पे गए थे ना, जब तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और इससे मेरा गला बैठ गया और नाक में भी दर्द हो रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारा रूम है ना, इसके साइड में यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या है। तो गाइस मैं यहाँ पर आ गया और अब देखो मैं आपको क्या दिखाता हूँ। इंसेक्ट ना आ जाए बस। गाइस आप लोग देख सकते हो, ये है एक एप्पल का पेड़ और वो भी ठीक हमारी विंडो के सामने यहाँ पर। और देखो ये भी एक एप्पल का पेड़ है, इस पर तो बहुत सारे एप्पल लटक रहे हैं और इस पर देखो कितने सारे एप्पल हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे छोटे छोटे। लेकिन गाइस बस एक ही दिक्कत है कि ये सारे अभी हरे हैं, ये पके नहीं हैं, तो हम इन्हें तोड़ नहीं सकते। आज मैं वापस अपने बालकनी में आके बैठ गया और फिर व्यू का मज़ा ले रहा हूँ। और अब मेरा जो गला है, एक कप चाय से ही ठीक होगा बस। अब नॉर्मली मैं वैसे चाय नहीं पीता, लेकिन आज गला सही नहीं है तो पीनी पड़ेगी, तो चाय पीते हैं और फिर देखते हैं हमको कहाँ जाना है आज। शायद से आज हम डलहौजी जाएंगे। गाइस ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था पहाड़ों के बीच इतनी खतरनाक ड्राइविंग के संग जाने का, तो बस बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा। और अब हम यहाँ से कुछ तो लेके जा नहीं सकते, बस अपने कैमरा में सारी मेमोरीज कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके सिनेमैटिक्स ले रहा हूँ। तो अभी यहाँ की बाकी एक्टिविटीज़ देखेंगे क्या क्या है और फिर हम पंचकुला, सातधारा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जाएंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ का प्लान है। और यहाँ पर पास में एक मंदिर भी है, वहाँ पे चलेंगे। हम यहाँ पे जो खजियार में गए थे ना, ये ना 10-5 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पे बुआ और सारे लोग कह रहे हैं हॉर्स राइडिंग करने के लिए। भाई पागल बनाते हैं, वो दौड़ता तो है नहीं घोड़ा, वो धीरे धीरे चलता है, एक चक्कर लगवा देते हैं उसके 500 रुपये ले लेते हैं। तो पहले हॉर्स राइडिंग करने जा रहे हैं, फिर हम जाने वाले हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिससे हमको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी नेचर के बारे में, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, प्रकृति के बारे में, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो उसके बाद हम काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाएंगे, फिर पंचकुला और सातधारा जो भी है सारी चीज़ें देखते हुए, और फिर हमको कल अपने घर के लिए निकलना है दिल्ली के लिए। कल शाम तो बहुत भीड़ थी, अब तो बहुत कम लोग हैं इधर, देख सकते हैं बस ये शान शिवम है और उधर थोड़े बहुत लोग हैं और यहाँ पे फोटो स्टॉल्स वाले हैं, बाकी नज़ारा बहुत मस्त है यार। कैसा रहा? मज़ा आया एकदम हॉर्स राइडिंग में, लेकिन अगर मैदान में दौड़ाते हैं ना तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अलाउड नहीं है यहाँ मैदान में, मैदान काफ़ी बड़ा भी और पेड़। हाँ तो शिव और शान से पूछते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। शान कैसा लगा तेरे को हॉर्स राइड करके? भाई बहुत मजा आया, अंकल ने ना बीच में छोड़ दिया था, घोड़ा ना दौड़ रहा था तुबड़ुक 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 है, और जब चल रहा था तो हो रहा था तुबड़ुक तुबड़ुक। तुम्हें कैसा लगा भाई? मजा आ गया, इतनी तेज दौड़ रहा था बीच में। बाल उड़ गए होंगे? नहीं इतना भी नहीं था, लेकिन इन्होंने हॉर्स राइडिंग करी, मैंने पैराग्लाइडिंग करी। भाई अब हम जा रहे हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ से हमको बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और जो कि अभी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, फिर भी एक घंटा दिखा रहा है क्योंकि ये रास्ता है जो पहाड़ का वो टेढ़ा मेढ़ा है सारा। और खजियार में हमने बहुत सारी नई नई एक्टिविटी करी, हॉर्स राइडिंग और वो गुब्बारे में घूमे, और मैंने तो पैराग्लाइडिंग भी करी गाई, बहुत मस्त था। जो कि स्कैम हो गया, आज के दिन काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंद है, हम इतनी मेहनत से कार ड्राइव करके पहाड़ों के बीच में से लाए थे, पर कोई नहीं, अब आगे जाके पंचकुला और सातधारा घूम कर आते हैं।
और आज तो टेम्परेचर भी 21 डिग्री चल रहा है और फिर भी बहुत धूप की गर्मी है। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम पंचकुला वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, बस 1 मिनट और 500 मीटर की दूरी है, तो चलते हैं। आने दो। गाइस ये है पंचकुला और ऐसा व्यू है यहाँ का। यहाँ पे काफी सारी राइड्स दिख रही हैं, यहीं से देखते हैं, पहले पंचकुला देखकर आते हैं। और भाई ये वाला तो बहुत ज्यादा बड़ा है, जो जबकि कल हमने जो करा था खजियार में वो बहुत ज्यादा छोटा था। यहाँ पे ये सारी राइड्स हैं, ये बहुत बड़ा है। चश्मा कैसा लग रहा है? मेरे को तो मस्त लग रहा है। एकदम जहाँ भी जा रहे हैं ना हिमाचल में, हम हर जगह चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में हैं। अभी भी आप देखो हर जगह पहाड़ है। तो भाई यही है पंचकुला, ऊपर से 5 धार आ रही हैं और एक नदी बन रही है छोटी, तो इसको पंचकुला नाम दे दिया। और बहुत भीड़ नहीं है, ज़्यादा सी थोड़े बहुत लोग हैं। भाई ऊपर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, हम तो यहाँ पे ही पानी आ रहा है, मम्मी ने तो पैर डाल रखे हैं। ओ भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है और ये पानी हर जगह बह रहा है उधर तक भी। यहाँ वाटरफॉल पे बहुत सारे फोटोज लिए और ये बच्चे जो बहुत शैतान है, बहुत पानी उछाल रहे हैं। मम्मी उधर हैं, हम तो भाई पानी में जा नहीं सकते, हमने शूज़ डाल रखे हैं और सॉक्स भी सब ने हमने, इसलिए हम वाटरफॉल में नहीं गए। और बहुत ज़्यादा मस्त हो गया और पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। भाई देखो कल हमने होटल में भी देखे थे, यहाँ पे भी कितने बढ़िया आर्ट कर रखी है पत्थर के ऊपर। और एक ये भी है, कौवा बैठा हुआ है, जिया उल्लू बैठा हुआ है, जो भी है, नहीं कौवा ही है क्योंकि सुबह हो रही है। भाई चढ़ने में जितना फोर्स लगता है ना यहाँ पे, उतरने में उतना ही कम लगता है, उतरने में आसानी है। अभी हमने ऑर्डर किया मैगी और पकौड़ों का, तो अभी आने वाली है। भाई चटनी क्या है, आज तक ऐसी चटनी नहीं खाई पानी जैसी। और मौसम बहुत मस्त हो गया, हवा चल रही है और ये पकौड़े आ गए अपने गरम गरम, बहुत ज़्यादा गरम है। भाई शिवम की मैगी भी आ गई, शिवम कैसी लग रही है?
इंटीरियर है इस जीप का, और यहाँ से एक बहुत बड़ी मिसाइल सी जा रही है, जो यहाँ पे भी जगह है इसको कंट्रोल करने की। भाई बहुत बढ़िया फ़ोटो आई हैं। और ये इसका स्टेयरिंग है जो कि बिल्कुल नहीं घूमता, और ये एक मिलिट्री ट्रेन है M4196। देखो टैंक का इतना बड़ा इंजन है, ये इतना बड़ा इंजन है भाई, सोचो कैसे कंट्रोल होता होगा सब कुछ। आधे घंटे से जाम में फंस गए, देखो कितना लंबा जाम है। गाइस सारी जगह घूमकर हम फिर से अपने रूम पर आ चुके हैं, तो अब आराम करेंगे और पास में एक मंदिर है वो घूमने चलेंगे। भाई वहाँ से आने के बाद हम सोच रहे हैं यहाँ पे घुसने की, लेकिन ये तार लग रखे हैं इसलिए जा नहीं सकते। कल भी आए थे, आज भी आए थे, लेकिन ऐसा ये क्या हो रहा है, भीड़ लग रही है, ये सब गा रहे हैं और नाच रहे हैं शायद। ये अंदर जाने का जुगाड़ मिल गया, सीढ़ी लगा रखी है किसी ने, वी टाइप की सीढ़ी है, यहाँ से ऐसे चढ़ना है। शांत संभल के, कांटा ना लग जाए, एक इसका फांता टूटा हुआ है, तो आराम से जाते हैं। क्या गा रहे हैं लोग। गाइस हम जंगल में घुस गए, और गाइस इस पेड़ पे देखो कितना सारा एल्गा जमा हुआ है। पुष्पा की कस्तरी हो रखी है यहाँ पे, सारे पेड़ काट रखे हैं ये देखो। ईशान और शिवम को कैमरा चलाना सिखाया जा रहा है यहाँ पे इस जंगल में, इतने खूंखार जंगल में। मैं इस पेड़ पे चढ़ा हुआ हूँ और देखो कितना लंबा और कितना भयंकर लग रहा है ये पेड़, इसके कांटे निकल रहे हैं इधर। भाई बहुत डर लग रहा है ऐसी ऑफ रोडिंग करते हुए। भाई मैं तो कूद गया। फोटो के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसके बस की यहाँ पे चढ़ना नहीं है, तो मैं आप हाथ पकड़ के इसे लेके जा रहा हूँ। गाइस देखो ये कितना लूलू है, मैं इतना दौड़ के यहाँ तक आ गया, और भैया भी यहाँ पे कूद गए डर के मारे। मैं तो भाई वो छोटा है यार हमसे भी, मैं तो दौड़ता हुआ आया हूँ, मैं तो भाई वो छोटा है यार। तो भाई अब नए नए रास्ते खोज रहे हम इधर, हमको मिल रहे हैं नए नए रास्ते, और ईशान ने अपने हाथ में कांटा मार लिया उस पौधे से, तो अब ये ट्रैकिंग हो रही है हमारी बहुत तगड़ी। और भाई ये पेड़ देखो क्या है, और नज़ारा तो भाई जहाँ देखो वहाँ ग्रीनरी है देखो। भाई ईशान कह रहा है मिशन फाइंड रैबिट, यहाँ रैबिट है ही नहीं, जब ऐसी जगह पे कोई रैबिट थोड़ी होगा, और यहाँ पे पेड़ क्रॉस करना पड़ेगा। भाई इस पेड़ की जड़ दिख रही है सारी, और ये लुढ़क चुका है। तो भाई अब हम जा रहे हैं अपने होटल पे दोबारा, यहाँ पे घूम घाम के फोटो वोटो ले लिए, अब ये पेड़ फिर से पार करना पड़ेगा, इधर से ऐसे करके ऐसे जाना पड़ेगा, और फिर ऐसा करका है। तो भाई अब हम जा रहे हैं अपना डीजे आलोक वाला चश्मा पहन के, सब तो जा रहे हैं, मेरा पैर मुड़ गया। तो गाइज रेडी अपना डीजे आलोक का चश्मा पहन के चलने के लिए। तो गाइज अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे, और जो बारिश 4 महीने से नहीं आई वो कल आई थी, और अभी भी मौसम बारिश जैसा हो चुका है, तो मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है मीठी मीठी। इसमें तो आंखें तरस रही है हाईवे और बिल्डिंग्स को देखने के लिए, खासकर अपने घर पे जाने के लिए। गाइस अभी ईशान और शिवम का कंपटीशन हो रहा है, 5 फोटो ईशान खींचेगा 5 शिवम खींचेगा कैमरा से, जिसका फोकस और जिसकी क्लैरिटी सही आएगी, जिसका शेक नहीं होगा वो विनर होगा, और उसको मिलेगी एक चुम्मी। एकदम मंदी मंदी बारिश हो रही है, और यहाँ पे धूप भी निकली हुई है, और देखो यहाँ पे रेनबो भी आने की ज़्यादातर चांसेस है रेनबो आने के, लेकिन अभी हम रेनबो ढूंढ रहे हैं, दिख रहा नहीं है, और हल्की हल्की बारिश हो रही है बहुत। ब्रेड ऑमलेट और एग करी आ गई, तो अब मजे से अपने स्नैक्स लेते हैं। भाई अभी मेरा यहाँ पे एक फ्रेंड बन गया,
तो भाई तुम्हारा नाम क्या है? सतिंदर के लिए। सतिंदर, तो भाई तो अभी मैं इसके संग बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मस्त व्यू है। भाई कितनी बड़ी मूर्ति है भोले बाबा की। तो गाइस ये 81 फुट ऊंची जो है मूर्ति है ये वाली, और भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा। त्रिशूल तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और नाग भी, नाग की जो देखो गाइस जो है निकल रही है ना जीभ, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब मस्त है। सुबह में पैराग्लाइडिंग करते हुए यहीं पे लैंड हुआ था, और यहाँ पे आसपास मस्त व्यू है, और ऊपर बादल भी मस्त हैं, और ये रही वो मूर्ति। ये देखो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, और ये भोले बाबा की मूर्ति है 81 फुट ऊंची, और अभी हम मंदिर में गए नहीं है जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पे हलवे का प्रसाद मिलता है बहुत बढ़िया, हम बहुत पहले भी आ रखे हैं। तो अभी मम्मी और वो का कुछ होता पता नहीं है ना, फ़ोन आया, और यहाँ पे फूफा ही फोटो ले रहे हैं इसके संग, और यहाँ पे ईशान फोटो ले रहा है। ए डॉगी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है? हाँ कह रहा है बंदा। देखो गाइस यहाँ रोड ही पड़ी है कितनी सारी, यहाँ पे इतनी मस्त रोड है, इसमें खेल सकते हो। तो गाइस अभी इस मंदिर में चलते हैं अंदर, ऐसा व्यू है यहाँ का। और गाइस जब मैं सुबह कल आज सुबह जब पैराग्लाइडिंग कर रहा था, ये सारा बहुत छोटा दिख रहा था मुझको। और गाइस बारिश का मौसम हो रहा है, बादल कादे हो रहे हैं यहाँ पे। गाइस अभी मम्मी और बुआ का फोन आया, और वो होटल में पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ मंदिर में है, और उन्हें चाबी चाहिए, तो उन्हें चाबी कौन देगा, अब हमको जल्दी जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये रहा मंदिर, तो आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ। गाइस ये है गौतम गेस्ट हाउस, जब भी आप खजियार आओ तो हमेशा यहीं रुकना, बहुत अच्छी सर्विसेज है। तो गाइस यहाँ के ओनर ये हैं, और सारा होटल स्टाफ वहाँ पर है अंदर, तो दिखाते हैं। तो भाई ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये जो यहाँ पे मेरे साथ थे दोनों भाई, और एक भैया ये रे, और ये है यहाँ का किचन छोटा सा। भाई हम तो सुबह निकल जाएंगे 5 बजे। बाय बाय, फिर मिलेंगे, फिर कभी आएंगे। और गाइस ये यू टेबल है जहाँ पे हमने डिनर करा है, और यहाँ का रिसेप्शन। और गाइस यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर हमको प्लांट्स पौधे मिले, ये देख सकते हो आप। और तो और यहाँ पे ना छोटी छोटी बोतलों में काट के भी लगा रखे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस देखो छोटी छोटी बोतलों में काट के लगा रखे हैं, अभी रात हो रही है इसलिए मैं इनको छेड़ रहा नहीं हूँ। ये देखो गाइस इस तरह छोटे छोटे उसमें लगा रखे हैं बोतलों को काट के, और एक देखो गुलाब का पूरा गुच्छा, अभी रात हो रही है इसलिए मैं इन्हें छेड़ रहा नहीं हूँ। तो गाइस ये था यहाँ की एंट्री, और रिसेप्शन वगैरह मैंने आपको सब दिखा दिया। हम तो सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, इसलिए हमने सबसे अभी बाय कर दिया जो भी है, तो अभी तो सो जाते हैं, और फिर कल सुबह जल्दी जल्दी 5 बजे निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो इस सारी वीडियोस को यहीं पे एंड करते हैं, और यही था अपना पूरा टूर खजियार का, बहुत ज्यादा मजा आया। तो अब मिलेंगे किसी नए टूर के साथ, नए व्लॉगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।